सोने का फ्रॉक और चांदी का सैंडल। हीरपुर गांव में शिवानी अपनी बेटी भव्या के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। शिवानी लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। शिवानी अपनी बेटी भव्या से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। बिन बाप की बच्ची को शिवानी ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसने भव्या का दाखिला भी शहर के अच्छे कॉलेज में करवाया था। भव्या अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के जैसा चीज देखती, घर आकर वो अपनी माँ से वैसी ही चीजों की डिमांड करती थी। शिवानी अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन भव्या कॉलेज से घर आते ही अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरे कॉलेज की सारी लड़कियाँ पिकनिक पर शिमला जा रही है, मुझे भी पिकनिक पे जाना है। पिकनिक जाने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए माँ। शिवानी की साड़ी फटी हुई थी। वो अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास सिर्फ 500 रुपए ही थे, लेकिन वो अपनी बेटी की इस खुशी के लिए वो सारे पैसे उसे दे देती है। भव्या खुशी खुशी उन पैसों को लेकर शिमला अपने पिकनिक टूर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके कॉलेज की फेयरवेल पार्टी आती है। पार्टी में भव्या की सारी सहेलियां उसका खूब मजाक उड़ाती है, क्योंकि भव्या ने ना तो अच्छे कपड़े पहने थे ना ही अच्छी सैंडल। अरे भव्या, कम से कम आज तो नहा धोकर कॉलेज आ जाती, सोकर उठकर सीधा यहीं आ गई है क्या? या फिर आज तेरी वो गरीब माँ ने तुझे कपड़े नहीं दिलाए? एक एक करके भव्या के सभी दोस्तों ने भव्या का खूब मजाक उड़ाया। भव्या गुस्से से घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी रागनी की तरह नए नए फ्रॉक और सैंडल चाहिए। माँ 2 दिन बाद मेरी दोस्त चंचल की शादी है, मैं चाहती हूँ कि इस शादी में मैं सबसे सुंदर लगूं। देखना आसिमा की शादी में सब मेरी ही तारीफ करेंगे। माँ मैं चंचल की शादी में सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। फिर उसकी माँ शिवानी उसे समझाती है, बेटी हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना सीखो। बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, दूसरों की चीजें देखकर इच्छाएं करना बंद करो, हम उनकी तरह नहीं हो सकते बेटी। लेकिन माँ मेरे पास खुश रहने के लिए आखिर है ही क्या? ये टूटा फूटा छोटा सा घर, इसमें मैं खुश रहूं? या फिर पुराने फटे हुए फ्रॉक, इसमें खुश रहूं? या मेरी ये पुरानी घिसी पिटी जूतियाँ, इसमें खुश रहूं? भव्या गुस्से से नाराज होकर बैठ जाती है। शिवानी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिससे वो अपनी बेटी को नए फ्रॉक और नए सैंडल दिला सके। फिर वो अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है, बेटा मेरे पास तो भी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के फ्रॉक और सैंडल दिला दूंगी। लेकिन भव्या नहीं मानती है, वह अभी भी अपनी माँ से नाराज थी। फिर शिवानी अपनी बेटी भव्या को उसकी पुरानी दोस्त श्रुति के पास जाने को बोलती है, बेटा तुम अपनी पुरानी दोस्त श्रुति के पास जाकर उससे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। श्रुति शिवानी की पुरानी मालकिन की बेटी थी। शिवानी जब श्रुति के घर खाना बनाने जाया करती थी, तब वो अपने साथ कई बार भव्या को भी अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। जिस बीच भव्या और श्रुति की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। भव्या श्रुति से मिलने उसके घर जाती है। श्रुति भव्या को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। भव्या तुम मेरी दोस्त, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और बताओ कैसी हो, हम बचपन में कितने मजे किया करते थे, है ना? वे दोनों आपस में ढेरों बातें करते हैं। उसके बाद भव्या उसे बताती है, श्रुति 2 दिन बाद मेरे कॉलेज की दोस्त चंचल की शादी है, मुझे उसकी शादी में पहनने के लिए तुम अपना कोई अच्छा सा एक फ्रॉक और सैंडल दे सकती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें उसे सही सलामत लौटा दूंगी। क्यों नहीं मेरी दोस्त, आखिर हमारी दोस्ती किस दिन काम आएगी। आओ मेरे साथ और ये देखो, इनमें से जो फ्रॉक और सैंडल तुम्हें पसंद हो तुम वो ले लो।
श्रुति भव्या को अपनी सारी फ्रॉक और सैंडल दिखाती है। भव्या की नजर एक चमचमाती सुनहरे रंग की फ्रॉक और चांदी जैसे रंग की सैंडल पर जाती है। उसे देखकर भव्या खुशी से कहती है, ये वाला, मुझे तुम्हारा ये वाला सुनहरा फ्रॉक और ये सैंडल चाहिए। भव्या, ये फ्रॉक और सैंडल तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये फ्रॉक सोने का है और ये सैंडल चांदी की है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम जाओ और खुशी खुशी शादी एंजॉय करो। भव्या खुशी खुशी वो फ्रॉक और सैंडल लेकर घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं, जो उसे बेहोश करके उससे उसका सोने का फ्रॉक और चांदी का सैंडल छीन कर वहाँ से भाग जाते हैं। भव्या को जब होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के नीचे पाती है। जब वो अपने पास फ्रॉक और सैंडल को थैले में नहीं देखती है, तब वो जोर जोर से रोने लगती है। वो फ्रॉक और सैंडल कहाँ गई? उसे किसने चुरा लिया? अब मैं श्रुति को उसकी फ्रॉक और सैंडल कैसे वापस करूँगी? और मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? अब मेरी माँ इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत सर पर गठरी लेकर अपने घर जा रही होती है, लेकिन उस बूढ़ी औरत के सिर पर इतना बोझा था कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। यह देखकर भव्या उसके पास जाकर बोलती है, लाइए दादी, ये बोझा आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, बस ये पास ही मेरा घर है। भव्या अम्मा का सामान उठाकर उनके घर तक पहुंचा देती है। दादी, क्या आप यहाँ रहती हैं? ये लीजिए दादी, आपका घर आ गया। अंदर आओ बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो बेटी, लेकिन मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं दादी माँ, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी परेशानी बता देती हूँ। फिर भव्या उस दादी को अपनी सारी आपबीती सुना देती है। यह सब सुनने के बाद वह दादी उससे कहती है, तुम यहीं रुको बेटी, मैं अभी आई। और फिर उसके बाद वह दादी भव्या को एक चमचमाती सोने की फ्रॉक और चांदी की सैंडल देती है और बोलती है, ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद की है, यह उसी का इनाम है। लेकिन दादी, ये तो बहुत ही कीमती है, मैं इसे आपसे नहीं ले सकती। दादी के बहुत समझाने के बाद भव्या उसे लेने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि मैंने तो श्रुति के फ्रॉक और सैंडल को खो दिया, उसके बदले मैं श्रुति को यही फ्रॉक और सैंडल दे दूंगी। लेकिन जाने से पहले वह दादी अम्मा उससे कहती है कि याद रखना बेटी, यह कोई मामूली फ्रॉक और सैंडल नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करना। उस समय भव्या को उस दादी की कोई भी बात समझ नहीं आती है और वह अपने घर चली जाती है। घर आकर वह अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ठीक है बेटी, श्रुति के फ्रॉक और सैंडल के बदले तुम श्रुति को ये फ्रॉक और सैंडल दे देना। लेकिन भव्या को अभी भी इस बात की चिंता होती है कि आखिर वह चंचल की शादी में क्या पहनेगी, उसके पास तो कोई अच्छे कपड़े थे ही नहीं। तभी वह बोलती है, काश मेरे पास भी अच्छे फ्रॉक और सैंडल होते तो मैं भी अपने दोस्त के बीच अच्छा दिखती। भव्या के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही अच्छा फ्रॉक और सैंडल आ जाता है। भव्या को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है, अरे ये फ्रॉक और सैंडल यहाँ कैसे आया? माँ, माँ, ये आप लेकर आई हो मेरे लिए? लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती है, इसलिए भव्या को कोई जवाब नहीं मिलता और वह बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चंचल की शादी में वह उसी फ्रॉक और सैंडल को पहनकर जाती है। उसके कपड़े और सैंडल को देखकर उसकी सारी सहेलियां उसे पूछती है, अरे वाह भव्या, तुम्हारे फ्रॉक और सैंडल तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ भव्या, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। यह सब सुनकर भव्या को बहुत ही अच्छा लगता है। शादी खत्म हो जाने के बाद भव्या जब अपने घर आती है, तब वह देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। काश मेरी माँ को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, काश
हमारे पास भी अच्छा घर होता जिसमें मेरी माँ आराम से रह सकती। भाभी के इतना बोलते ही उसका टूटा फूटा सा मकान एक बहुत ही आलीशान घर में बदल जाता है। यह सब देखकर भाभी और उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और अचानक भाभी को उस दादी अम्मा की बात याद आ जाती है और वो अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है ये फ्रॉक और सैंडल तो जादुई है। मैंने उसे पहनकर जो भी कहा वह सब कुछ सच हुआ है। और फिर भव्या उस जादुई फ्रॉक और सैंडल की मदद से एक सोने का फ्रॉक और चांदी का सैंडल मांगती है और फिर वह फ्रॉक और सैंडल लेकर अपनी सहेली श्रुति को दे देती है। घर वापस लौटते समय उसे रास्ते में वही दादी अम्मा दिखाई देती है और वह उस अम्मा का धन्यवाद करती है, लेकिन वह अम्मा उससे कहती है, लेकिन बेटी इस बात का ध्यान रखना, यह फ्रॉक और सैंडल वही इच्छा पूरी करती है जिसकी तुम्हें सच में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर इस फ्रॉक और सैंडल से लालच में आकर कुछ भी बहुत ज्यादा मांगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन भव्या दादी की बातों पर ध्यान नहीं देती है। भव्या के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, ये फ्रॉक और सैंडल तो मेरी सारी इच्छा पूरी कर सकती है। और फिर भव्या जादुई फ्रॉक और सैंडल से बहुत सारे पैसे मांगती है और एक बड़ी सी गाड़ी भी मांगती है। तभी वह जादुई फ्रॉक और सैंडल गायब हो जाता है और उसका सारा पैसा और गाड़ी भी गायब हो जाता है, क्योंकि वह सारी चीजें अब लालच में मांगी गई थी। उधर उसकी माँ की तबीयत भी और ज्यादा खराब हो जाती है। तब भव्या को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने लालच में आकर अपना सब कुछ गवा दिया। काश उसने उस दादी की बात को मान लिया होता और उसके पास जितना था उसी में खुश रहती तो आज उसकी माँ की तबीयत ठीक होती। भव्या उस दादी अम्मा के पास फिर से जाती है और उसे अपनी माँ की तबीयत को ठीक करने की प्रार्थना करती है। मुझे माफ कर दीजिए दादी, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश रहूँगी। बस मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दीजिए दादी। बेटी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो सब ठीक हो गया है। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। भव्या के घर पहुँचते ही वह देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक होती है। फिर वह अपनी माँ को गले से लगा लेती है और दोनों माँ बेटी प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।